हाय गाइस, आप रसोई में आपका स्वागत है। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे एक ही एक रोटी फूलती है। बहुत ही शानदार ये रोटी, एकदम गोल और परफेक्ट। और ये 6 घंटे तक कम से कम सॉफ्ट रहती है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें आटा गूंदने के लिए थोड़ा नमक ऐड कर लीजिए, जिससे रोटी में स्वाद ही अलग आ जाता है। और ये देखिए, मैं दोनों तरफ से साइड से तवे पे ही अच्छे करके सेंक के फिर गैस फ्लेम पे सेंकूंगा और मेरी सारी रोटियां फूलती हैं। बहुत ही गैस फ्लेम आप मीडियम रखिए, ज़्यादा हाई रखोगे तो जल जाएगा। आप बेलिए रोटी, और पतली रोटी, हल्की पतली होनी चाहिए, जिससे फूलने में आसानी होगी। देख लीजिए, अपने आप ऑटोमेटिक फूल रही है ये। देखो, वाह, ये निकली गैस। ये गर्म गैस से बच के रहना चाहिए, बहुत ही तेज जलाती है ये, आग से भी ज़्यादा तेज जलता है इससे आने से। बहुत ही फिर दर्द होता है जलने के बाद। ये देखिए रोटी क्या मस्त फूली है, बहुत फुलका। अब इसके लिए हम देखो ऐसे करेंगे, थोड़ा सा आटा हट जाएगा, उसके बाद हम तवे पे डालेंगे, उसके बाद हम दूसरी रोटी बेलेंगे। मौसम है सर्दी का, रोटी है गरम तवे वाली, तो खाएंगे पत्ता गोभी आलू प्याज रे आएगा। ये देखिए हल्के हल्के वो आने लगे। इसके बाद पलटिए इसे, पलटने के बाद दूसरी साइड जब तक सिकती है, जब तक दूसरी रोटी बेल के तैयार कर लीजिए। आपको एकदम सॉफ्ट और मुलायम रोटी मिलेगी, इसे हम बार बार देख लेंगे। जब तक सिकती नहीं है, जब सिक जाएगी तो ऑटोमेटिक खाने में मज़ा आएगा। अभी ये हम गर्म गैस पे डालेंगे, अपने आप फूलेगी। ये देखिए शानदार फूल रही है रोटी, बहुत ही क्रंची और फूट गई। फूटने से दोस्तों ये फूलेगी नहीं, हो रहा है। वैसे गैस का एक स्टैंड आता है, उस पर रख के सेंकिए आप, बहुत ही अच्छी फूलती है। थोड़ा सा गैस नुकसानदायक होती है, पर क्या करें, थोड़ा पैसा कम है इसलिए हम तवे पे नहीं सेंकते, तवे पे गैस ज़्यादा लगती है।